अगर आप 5 साल की एलएलबी करना चाहते हैं, आपने 12वीं पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो आप कर सकते हैं, या फिर 3 साल की एलएलबी आप करना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट की है, और मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स नहीं है, क्योंकि एलएलबी करने के लिए 45% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, वरना आप एलएलबी कर नहीं पाओगे। दोस्तों, आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, 4 ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर एलएलबी करना चाहता है, एलएलबी करने के लिए हालांकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 3 साल की लॉ कर लीजिए या 5 साल की लॉ कर लीजिए, आप एडवोकेट, आप मतलब वकील बन जाएंगे, आप अच्छे लॉयर बन जाएंगे, डिपेंड करता है प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हैं। एलएलबी करने से पहले अगर आपकी फैमिली में कोई भी अगर एडवोकेट साहब हैं, आपकी फैमिली से हो, आपके जानकारी में हो, रिश्तेदार में हो या आपको कोई फ्रेंड हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं ना कहीं से एक्सपोजर मिलना शुरू से ही शुरू हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली चीज़ें जानना शुरू कर देंगे। पर उनका क्या, जिनके पास कोई भी वकील आसपास जानकार नहीं है मदद करने के लिए, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो उन सब की हेल्प करने के लिए हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी इंटर्नशिप या फिर मान लीजिए प्रैक्टिस कराई जाती है, आप एडमिशन लेते हैं, हमसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम विद इन 3 ईयर 5 ईयर जो भी आपका लॉ होगा उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कोर्ट में कैसे खड़े होते हैं और साथ में किस तरह से केसेस को लड़ा जाता है, एलएलबी करने के क्या फायदे हैं, साथ में एलएलबी कैसे की जाती है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, सरकारी से एडमिशन लें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लें, ऐसे कई सारे आपके दिल में सवाल आते हैं, और साथ में ये भी सवाल आता है कि आप एलएलबी करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे, क्रिमिनल में प्रैक्टिस करेंगे, सिविल में प्रैक्टिस करेंगे, मैट्रिमोनियल में आप जाएंगे या फिर चेक बाउंसिंग के केसेस भी बहुत सारे वकील इंडिविजुअल लड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आपके बन जाते हैं। क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक अलग ही मजा होता है, अलग ही रुतबा होता है। जब कोई वकील बनता है तो उसकी समाज में जो रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी बहुत हाई हो जाती है और अपने आप में अच्छा फील होता है। तो मैं बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज अपने इस वीडियो में, खास करके उन सभी वकील भाइयों के लिए या फिर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट चाहता है एलएलबी करना, जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं एलएलबी करना या आपकी फैमिली चाहती है कि आपको लॉ करवाएं, साथ में ही आपको एडवोकेट बनाएं और फिर आप अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएं, उसके लिए सबसे पहली शुरुआत आप कैसे करेंगे, आपने मान लीजिए 12वीं पास की है, फिर चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास की हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तो 10वीं के बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स 3 साल का करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन आपके पास हालांकि होता है जब आप 5 साल की एलएलबी करना चाहते हैं। 5 साल की एलएलबी करने के लिए 12वीं आप पास हो या आपने डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद, तो आप एलएलबी कर सकते हैं 5 साल की। 5 साल का टेन्योर होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आप कानून की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कानून की पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके दोस्त सर्कल में, कहीं भी अगर कोई वकील साहब हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही दिन से आपको वो प्रैक्टिकल चीजें देखना और समझना आपको आसान हो जाता है। पर उनके लिए क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया या फिर अभी लॉ कंप्लीट कर ली पर उनके साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो ऐसे में जैसी हम जैसी जो फर्म्स होती हैं वो सभी पहले ही दिन से आपको प्रैक्टिकली चीजों का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। पहले ही दिन से आपको बताते हैं कोर्ट में कैसे खड़े होना है, कोर्ट में कैसे काम करना है, क्रिमिनल केसेस को आप कैसे लड़ेंगे या सिविल केसेस को आप कैसे लड़ेंगे। हालांकि हमारे पास मैक्सिमम जो इंटर्नशिप करते हैं वो सभी क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए ही मैक्सिमम आते हैं। उसके लिए आपने जैसे ही एडमिशन लिया अपनी क्लासेज अटेंड करते रहिए, थोड़ा टाइम आप दीजिए और साथ में कोर्ट का जो कामकाज होते हैं उन्हें आप समझिए, क्योंकि आगे जाकर जब आप अपनी वकालत कंप्लीट कर लेंगे, 3 साल के एलएलबी करें या 5 साल के एलएलबी करें,
कंप्लीट करने के बाद में जब आप देखते हैं तो प्रैक्टिकली चीज जब आपके सामने आती है तो कई बार वो आपके लिए आसान नहीं होता, वही हम लोग आपको सिखाते हैं। अगर आप 5 साल के LLB करना चाहते हैं, आपने 12वीं पास की है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो आप कर सकते हैं, या फिर 3 साल की LLB आप करना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर आपने मास्टर्स कंप्लीट की है, और मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स नहीं है, क्योंकि LLB करने के लिए 45% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए, वरना आप LLB कर नहीं पाओगे। अब मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं है पर आपके मास्टर्स में 55, 60 या 60 से अबव मार्क्स हैं, तो आप LLB में एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निसंकोच आप एडमिशन ले पाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन देती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन भी देती हैं। आप कोशिश करें पहले कि किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, एंट्रेंस हो या किसी भी तरीके से हो, और अगर नहीं होता है आपका एडमिशन, NLU जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े मतलब कॉलेजेस हैं, आप वहां भी एडमिशन ले सकते हैं, IP में एडमिशन ले सकते हैं, DU में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी आप वहां एडमिशन ले लें। आपका एडमिशन वहां पे ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन होने के बाद में क्लासेस आप अटेंड कीजिए। क्लासेस जो भी आप अटेंड करते हैं, मूट कोर्ट में कैसे आप प्रैक्टिकली चीजों को सीखते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कई बार आपको बताया है, जितने भी प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं उन सभी में एक्सपोजर का मिलना बहुत जरूरी है। एक्सपोजर इन द सेंस कि बार बार कोर्ट जाना, क्लाइंट्स की फाइलों को पढ़ना, केसेस को पढ़ना, केस स्टडी करना, साथ में ही जो अलग अलग केसेस से रिलेटेड अलग अलग एक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने देखा कोई सेक्सुअल ऑफेंस है छोटे बच्चे के साथ है तो वहां पॉक्सो आता है, आपने NDPS जैसे मादक पदार्थों के मामले देखे होंगे, नशीले पदार्थों के जो मामले बनते हैं, आपने मर्डर केसेस देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, डिपेंड करता है किसमें आप प्रैक्टिस करने वाले हो। क्रिमिनल प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो क्रिमिनल प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा एक पेचीदा तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ती है, साथ में ही आपका रुझान देखना बहुत जरूरी है, आप किस साइड जाना चाहते हैं। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद फीस की बात करें, फीस सरकारी यूनिवर्सिटीज में कम होती है बट वहां पर भी फीस देखें तो 20,000 रुपए से लेकर लगभग 50,000 के बीच में पर ईयर की फीस हो सकती है। बट किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपकी वहां की फीस शुरुआती जो फीस है पहले साल से वो भी 40,000 रुपए से लेकर 1,00,000 तक पर ईयर की हो सकती है, एज पर द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है। और साथ में ही आप जानना चाहते हैं कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, कहां से आप लॉ कर रहे हैं, कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना, हम आपको उसका भी रिप्लाई आपको जरूर कर देंगे। अब दोस्तों बात क्या आती है कि आपने फीस भी जमा कर दी, आपने एडमिशन भी ले लिया, अब आती है अब क्लासेस का नंबर। क्लासेस आप लगाएं जो भी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जहां आपका रुझान हो उस साइड जो पढ़ने की चीजें हैं, जो उससे रिलेटेड एक्ट्स हैं, उन्हें भी आप पढ़िए। हालांकि जिनके अंडर भी आप सीख रहे हैं, जिनके अंडर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर जब आप केसेस में खड़े होंगे तो आपको चीजें अपने आप जाननी शुरू हो जाएंगी, अपने आप चीजें आप समझने लग जाओगे, बट उसके लिए जरूरी है एक्सपोजर का मिलना। किसी भी अच्छी लॉ फर्म में आपको सीखना होगा, ऐसे ही आप वकालत को नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है लॉ कंप्लीट करके स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छे मतलब सीनियर के अंडर जब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं तो कई साल उनके ऐसे ही बीत जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है घर के खर्चों को भी पूरा करना, इवन आना जाना। जब भी आप किसी कोर्ट आएंगे जाएंगे आप पे खर्चे होते हैं तो कवर कैसे होंगे? कवर तभी होंगे जब आपने कुछ काम किया होगा, और काम तभी होगा जब आपके सीनियर ने आपको कुछ काम दिया होगा या फिर आपके पर्सनल लिंक से कुछ केसेस आए हैं। तो बेहतर है जैसे ही आप एडमिशन ले पहले ही दिन से अपनी उस तैयारी को शुरू कर दें। जैसा मैंने आपको बताया इसमें हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, हालांकि हम दिल्ली बेस्ड हैं, दिल्ली में आपकी मदद अच्छे से कर पाएंगे, दूसरे स्टेट में तो हम आपकी ऐसी मदद नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में आपको बता सकते हैं चीजें कैसे आपकी चलती हैं। अब एक बात और आप जानिए, आपने अभी लॉ कंप्लीट आपकी हो गई, मूट कोर्ट में अच्छे से आपने अपनी प्रेजेंटेशन दिया, आगे भी बढ़ गए, अब आपकी लॉ कंप्लीट करने के बाद की कहानी शुरू होती है। आपने जैसी लॉ कंप्लीट किया, पास होने के बाद में आप जाएंगे प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, या आपके स्टेट जो बार है वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, किसी भी कोर्ट को आप ज्वाइन कर लेंगे। कोर्ट को ज्वाइन करने के बाद जो आपको लाइसेंस मिला प्रोविजनल लाइसेंस, वो 2 साल के लिए वैलिड है। 2 साल के वैलिड है इसलिए वैलिड है क्योंकि अभी आपको AB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करना बाकी है। अभी आपको AB का एग्जाम देना होगा। AB का आप एग्जाम देंगे उसके लिए फॉर्म्स अक्सर निकलते रहते हैं, जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म फिल करने के बाद में आपका एक एग्जाम होगा। हालांकि ओपन बुक एग्जाम है, पर मैं आपको बता दूं जो एग्जाम आप दोगे इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा आप पढ़कर आए हैं तो आपको इजीली क्रैक करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप इजीली उसे पास कर पाएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ऐसे कोई मार्क्स नहीं आते हैं।
आप जैसे ही उस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो मिलता है आपको परमानेंट लाइसेंस। परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद में जो भी आपने कोर्ट ज्वाइन किया है, आप आगे हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी प्रैक्टिस आप करते हैं, एक वकील साहब जो केस को लड़ते हैं, क्रिमिनल केसेस अगर आप लड़ रहे हो, बहुत तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और बहुत तरह के चैलेंजेस को आपको टैकल करना होगा बखूबी, ताकि आपके क्लाइंट को आप न्याय दिलवा सको और उसका केस बहुत अच्छे से लड़ सको। दोस्तों, जब तक आपकी वकालत है, जब तक आप इस वकालत के पेशे में हैं, मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत डिग्निटी जॉब है। मतलब कि यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, मतलब कि आपके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भरा एक पेशा है ये। जिम्मेदारी से काम करना होता है, ऐसा नहीं बस आपने केस लिया और ऐसे ही चलने दिया सिर्फ कुछ पैसे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदारी से केस को लड़ना चाहिए। जितना अच्छे से आप केस को प्रेजेंट कर सकें, उतना अच्छे से केस को प्रेजेंट करें। अब हार और जीत दो अलग अलग बातें हैं, दो वकील लड़ते हैं, वहाँ पीपी साहब आपके सामने हैं, यहाँ पर आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक तो हारेगा और कोई एक जीतेगा। तो हार से आपको घबराना नहीं चाहिए और जीत का इतना बड़ा श्रेय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी जर्नी है ये जो आपके वकालत फील्ड में आपको मिली है। काले कोर्ट की आप रिस्पेक्ट करें जो आपको काला कोर्ट मिला है, और पूरी डिग्निटी से अपनी इंटर्नशिप को, पूरी डिग्निटी से अपने जो एक्सपोजर दिया है आपके सीनियर्स ने, और पूरी डिग्निटी से अपने पेशे को निभाएं। बहुत ही इज्जत का, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत डिग्निटी के साथ में आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो काबिले तारीफ होती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है LLB को करने को रिलेटेड, या फिर LLB में एडमिशन लेने के रिलेटेड, या फिर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं लॉ के रिलेटेड, या कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कैसे कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, या जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल आप वहां पे करें, हम आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी लॉ को कंप्लीट करें। कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।